नमस्कार दोस्तों मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुगले स्टूडियो में प्यारे दोस्तों आज के इस केटेंट क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी कि एक पेशेंट हमारे पास जो एडमिट है उसको सोनोग्राफी किया जाना है और उसे किस तरह से सोनोग्राफी के लिए हमें प्रिपेयर करना होगा आइए जानते हैं इसी क्लास के माध्यम से हम सीखेंगे कि सोनोग्राफी के लिए जब किसी पेशेंट को भेजा जाता है और प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें नर्सेज रोल क्या होते हैं किस तरीके से हम उसे प्रिपेयर करेंगे तो आप क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और हम प्रिपेयर करते हैं लेक्चर तो प्रिपेरेशन फॉर द पेशेंट फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी तो आई होप आर यू रेडी गाइस तैयार हैं आप सब लोग बोलो भाई अरे भाई बोलो यार कैसे हो नोटिफिकेशन नहीं आ रहे होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वीडियो हमेशा यूट्यूब पर रहेगा आप बाद में भी देख सकते हैं बाकी की आज की ये आ, हमारा शायद छठे सातवा आठवा नवा छठे नंबर की क्लास है आज आज छह लेक्चर हो पांच लेक्चर हो चुके हैं और ये छठा लेक्चर है पूरे लेक्चर जरूर देखना आप क्लियर है तो चलिएगा शुरू करते हैं

उनमें डाई भी यूज किया जाता था आईवीपी यूज किया आईवीपी देखा हमने और फिर हमने देखा सीटी 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 स्कैन 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 तो भी भी क्या है एक्सरे का ही एक एडवांस प्रोसीजर होता है एडवांस मेथड होता है फिर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके और किस तरह से बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज को एक्सरे के द्वारा कैप्चर किया जाता है यानी सॉफ्ट टिश्यूज को एमआरआई के द्वारा किस तरीके से हम कैप्चर कर सकते हैं वो हमने देखा एमआरआई में और अब हम यूज करेंगे दोस्तों साउंड वेव्स को साउंड वेव्स एक जो ट्रांसड्यूसर होगा वो साउंड सेंड करता है सॉफ्ट इश्यूज से ये साउंड वेव टकरा करके वापस इसके अंदर आती है और आकर के इसके द्वारा और इमेज क्रिएट होती है डिस्प्ले के ऊपर उसका विजुअलाइजेशन क्रिएट होता है तो ऐसे सोनोग्राफी किया जाता है तो आइए ये, ये भी एक नॉन एडवेसिव प्रोसीजर है और इसके द्वारा विजुअलाइजिंग सॉफ्ट इश्यूज़ को हम विजुअलाइज कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स तो सोनोग्राफी यूज करने सोनोग्राफी करने के लिए कौन से टाइप की टेक्निक काम में लेते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड क्लियर है आगे बढ़ता हूं तो ये जो पेशेंट आप देख रहे होंगे दोस्त ये क्या कर रहा है इस इमेज को देखकर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इन दिस इमेज क्या किया जा रहा है कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है सी टी स्कैन एम आर आई या सोनोग्राफी uh, या एक्सरे क्या किया जा रहा है तो यू विल आइडेंटिफाई दैट इज सोनोग्राफी क्लियर देन पर्पस क्या होते हैं सोनोग्राफी के तो सबसे पहला टू डेलिनिएट द साइज ऑफ द किडनी एंड द मॉनिटर द थिकनेस ऑफ द कॉर्टेक्स तो किडनी की थिकनेस या फिर कॉटेक्स की थिकनेस या किडनी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी को मॉनिटर करने में हम सोनोग्राफी करते हैं टू डिस्टिंग बिटवीन द ऑब्स्ट्रक्शन और द पेरेइमल डिजीज क्या कोई पेरेंकाइमल डिजीज है या क्या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है इसे भी आप इससे देख सकते हो डिस्टिंग बिटवीन द सॉलिड सिस्टिक मास यानी कि कोई सिस्ट बना हुआ है सिस्टिक मास है तो उसको भी इससे देखा जा सकता है डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूड कलेक्शन लाइक द यूरिनोमा हेमाटोमा और एप्सिस यूरिनोमा हो हेमाटोमा हो या एप्सिस हो सोनोग्राफी के द्वारा आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैलकुलाई और डायग्नोसिंग इजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड किडनी

किया जाता है तो सोनो वेव्स या की से हम ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आइए जानते हैं फॉर डिटेक्टिंग द ट्यूमर ग्रेन्यूलोमा स्टोन एपसेस और द फ्री फ्लूट यूज इन दिक टू डिटमाइन द गैस्टेशनल एज दोस्त यदि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ऑब्स्टेट्रिक के अंदर सोनोग्राफी का क्या पर्पस होता है सोनोग्राफी से क्या एसेस करते हैं तो गैस्ट्रेशनल एज आइडेंटिफाई किया जा सकता है सोनोग्राफी यूज करके फॉर द प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ द फीटल एबनॉर्मलिटीज और हार्ट डिफेक्ट सोनोग्राफी कैन बी यूज फॉर द फीटस यदि अगर आपसे कहा जाए कि फीटल पर्पस क्या होते हैं सोनोग्राफी करने के पीछे फीटस से रिलेटेड क्या पर्पस होते हैं तो आप डायग्नोस कर सकते हो सोनोग्राफी यूज करके फीटल एबनॉर्मलिटीज को कंजनाइटल तो एबनॉर्मलिटीज को स्पेशली हार्ट डिफेक्ट को डिटेक्ट द कैलकुलाई इन द गॉल ब्लड तो ये कई पर्पस है दोस्त जो जिन पर्पस से हम सोनोग्राफी किसी क्लाइंट को प्रेस्क्राइब करते हैं लिखते हैं कई सारे पर्पस हो सकते हैं तो वो मैंने आपको यहाँ एक साथ दिखाए हैं कि किस किस मकसद से ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन से इनमें पर्पस बहुत मैटर करते हैं कि किस पर्पस से और कब कौन सी कंडीशन में ये पर्टिकुलर जांच लिखी जाती है चाहे फिर वो एक्सरे हो आईवीपी हो सीटी स्कैन हो एमआरआई हो या फिर सोनोग्राफी हो और आज इन्हीं सब के बारे में मैंने चर्चा की खुल के चर्चा की आप सब से ये सारी जांचें क्योंकि ये सब ऐसी पॉपुलर इन्वेस्टिगेशन से जो एक नर्सिंग स्टाफ को नर्सिंग ऑफिसर को आए दिन फेस करना है तो आप सबको ये सारे जितने भी लेक्चर आज मैंने किए हैं ये सब लेक्चर्स के बारे में जानकारी होना काफी आवश्यक होता है और इसलिए आज जितने भी इन्वेस्टिगेशन थे वो सब मैंने एक साथ प्लांट किए और एक साथ वन बाई वन आपको एक के बाद एक बताए ताकि आप इनको आपस में डिफ्रेंशिएट भी कर सको क्लियर है आगे बढ़ता हूं लिमिटेशन कौन सी कंडीशन से जिसमें आप ये नहीं कर सकते इट कैन नॉट इमेज द बोन और स्ट्रक्चर्स बियॉन्ड द बोन दोस्त इसकी क्या कमी है इसकी ड्रॉबैक्स क्या है सोनोग्राफी की कि इसके द्वारा हम कौन से ऑर्गन्स की इमेज नहीं कर सकते तो बोन इससे नहीं पता चलेगी बोन्स इसमें नहीं दिखती है सोनोग्राफी के अंदर और या फिर बोन के पीछे कोई स्ट्रक्चर है तो वो इससे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है बोन्स रिफ्लेक्ट द साउंड बीम एंड साउंड वेव कैन नॉट पेनिट्रेट बियॉन्ड द बोन लिमिटेड इन इट्स यूज इन दार्शली सो इन द एबडोम सिंपली हमने कहा कि एरिया का भी सोनोग्राफी नहीं किया जा सकता है क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर होती है और आइए जानते हैं प्रोसीजर हमेशा की तरह जिस तरह से मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाता आया हूं कि इन्फॉर्म द पेसेंट टू द रीजन फॉर द टेस्ट और वॉट टू एक्सपेक्ट फॉर द एबडोम अल्ट्रासाउंड रेस्ट्रिक्ट फूड और फ्लूड फॉर एट टू ट्वेल्व टू द प्रोसीजर सबसे ज्यादा आपको जो देखने को मिलेगा सोनोग्राफी वो मिलेगा एबडोम का और जब कभी भी एबडोम स्ट्रक्चर का सोनोग्राफी किया जाता है तो आठ से बारह घंटे पहले पेसेंट को एन पी ओ करना होता है याद रखना अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कीप द बॉबल फ्री ऑफ द वेस्ट और गैस which may interfere with the results. क्योंकि जो साउंड वेव्स होती हैं वो गैस को भी पेनिट्रेट uh, नहीं कर सकती और बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती तो ऐसी स्ट्रक्चर्स का इमेज uh, क्लियरली नहीं बन पाएगा जहां पर गैस गैसलेट हो रहा हो या फिर जहां पर फ्लूड uh, जहां पर सॉरी बोनी स्ट्रक्चर्स हैं वहां सोनोग्राफी सोनो वेव्स उन्हें पेनिट्रेट नहीं कर सकती सो इमेज क्रिएट नहीं होगा इंटरफेक्ट होगा जांच के अंदर प्रायर टू द प्रोसीजर समाइम बॉबेल प्रिपेरेशन विदिटिव इज यूज फॉर

ब्लडर शुड बी फुल बिफोर द पेसेंट इज सेंट फॉर यूएस जब भी आप दोनों ही कंडीशंस को बहुत गजब तरीके से आप समझ जाना याद रखना कहीं आप प्रैक्टिकल जब आप जाओगे प्रैक्टिस में तो कहीं आपसे गलती ना हो जाए यदि दोस्त अगर आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो आपको क्या करना है पेसेंट को एनपीओ किया जाता है आठ से बारह घंटे पहले याद रखना बहुत जानदार क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन है अगर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो फिर एनपीओ रखना है लेकिन यदि अगर पेल्विक ऑर्गन्स का अल्ट्रासाउंड किया जाना है तो फिर आप पेशेंट को कंटिन्यूसली पानी पीने के लिए बोलें और जब ब्लैडर फुल हो जाए बढ़िया भर जाए तब उसकी सोनोग्राफी की जाएगी कौन सी वाली पेल्विक वाली लेकिन एबडोमिनल किया जाना है तो एनपीओ होना चाहिए आठ से बारह घंटे पहले से फुल ब्लैडर इज रिक्वाय टू ऑपटेन द बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट दस पेलविक स्ट्रक्चर का बेटर कब होगा जब ब्लैडर पूरी तरह से भरा हुआ होगा फुल होगा क्लियर है दोनों क्वेश्चन समझ में आगे दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है वी आई पी क्वेश्चन से और दोनों काफी प्रैक्टिकल नॉलेज है दोनों के बारे में याद रखना ओके okay? सिंपली तो एनपीओ की जरूरत कब होती है जब सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करना हो और पानी की एडवाइस कब करते हैं एडवाइस कब करते हैं जब पेल्विक का अल्ट्रासाउंड किया जाना है सेंड द पेशेंट टू द अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट विद कैश शीट और द रिक्विशन फॉर्म आप पेशेंट को उसकी कैश शीट के साथ और फॉर्म के साथ अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में भेज दीजिएगा रिकॉर्ड द इन चार्ट द टाइमिंग ऑफ पेसेंट वॉज सेंड टू द यू एस जी डिपार्टमेंट आपने जब पेसेंट को सेंड किया है तो उसका टाइम आपको नोट कर लेना है चार्ट के अंदर आफ्टर रिसीविंग द पेसेंट बैक इन दार्ड फॉलोइंग द प्रोसीजर रिकॉर्ड द टाइम ऑफ अराइवल नर्सिज रिकॉर्ड में आपको क्या क्या लिखना है टाइम ऑफ सेंट टू देशेंट टाइम ऑफ अराइवल अगेन इन द वार्ड ओके दोस्त देन इन्फॉर्म द पेसेंट दैट रिटर्न रिपोर्ट ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी विल बी प्रोवाइडेड बाय द रेडियोलॉजिस्ट पेशेंट को कह दें कि कुछ समय बाद में रिटर्न रिपोर्ट आ जाएगी रेडियोलॉजिस्ट इसकी रिपोर्ट आपको दे देंगे देन नो स्पेशल आफ्टर केयर इज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट याद रखना सोनोग्राफी के बाद कोई भी विशेष नर्सिंग केयर की जरूरत पेशेंट को नहीं होती है तो ये इतना सा ही प्रोसीजर था दोस्तों बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्लासेस आज की चल रही हैं एक के बाद एक लेक्चर बहुत छोटे छोटे से क्लासेस हैं और ये सारे वो क्लासेस हैं जो प्रैक्टिकल में आप देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर और इसलिए इन सब के बारे में आपको नर्सिंग केयर आना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनमें से अगर एक एक क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप समझ के चले कि करीब बीस से तीस क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं एक एक करके भी इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं अभी स्टार्ट कर रहा ओनली मिनट्स में आप आ जाना इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी पढ़ाएंगे और इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तो पांच मिनट के अंदर अंदर आप वापिस से उस नेक्स्ट इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी वाले लेक्चर पर आ जाइएगा मैं आपका इंतजार कर रहा हूं और जब तक के लिए आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा प्लीज और अगर आपने अभी तक भी वुगली ऐप को रेटिंग नहीं किया है तो प्लीज वुगली ऐप को रेटिंग करना मत भूलना आज का टेस्ट आपको वुगली ऐप पर ही प्रोवाइड किया जाएगा अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो वुगली ऐप पर चल रहे हैं नर्सेज वर्ल्ड पर अभी कुछ दिन के लिए टेस्ट सीरीज नहीं चल रहे हैं तो वुगली ऐप के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्लियर है हर हर बुगली घर घर बुगली बुगली है तो मुमकिन है थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स लव यू ऑल मिलते हैं फाइव मिनट्स ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी के साथ चलिए